तो गाइस कि आपके हाथ भी छोटे हैं एंड आपको लंबे हाथ वालों को हराने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको गाइस ये डर लगा रहता है कि अगर लंबे हाथ का कोई प्लेयर आ गया तो वो आपको हरा देगा, तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा गाइस जो अगर आपने अपने गेम प्ले में ऐड करें ना तो आप ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल 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 डोमिनेट कर पाओगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी तक देखना, सारे पॉइंट्स लगा कर देखना, आई रियली होप कि आपकी हेल्प होगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। सो सबसे पहले शुरू करते हैं सबको बेहतर तरीके समझाने के लिए, यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसकी एज कम है, जिस वजह से उसकी फिंगर साइज मेरी फिंगर साइज से कम है, एंड मतलब ओवरऑल उसका एग्जांपल, एक अच्छे एग्जांपल क्रिएट करने के लिए ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊं, मैंने एक अच्छा एग्जांपल यूज किया है। तो मैं उसकी जगह पे रह के आपको ये सिखाऊंगा कि अगर किसी के मतलब जैसे मेरी अगर फिंगर साइज बड़ी है तो वो मुझे कैसे हराए, ठीक है? तो एक अच्छा स्टोरी भी क्रिएट हो रही है एंड आपको अच्छा समझ भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है? हाँ, सबसे पहली ट्रिक है रीग्रिपिंग, मतलब क्लाइंबिंग। अगर आपने इन दो शब्दों का मतलब सुना है ना तो मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है क्लाइंबिंग एंड रीग्रिपिंग, ठीक है? सो यहाँ पे मान लो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ, फिर भाई यूज करके दिखाएंगे आपको कि कैसे इसको करना होता है, ठीक है? सो आपको भी अच्छे समझ आएगा, ठीक है? सो क्लाइंबिंग में क्या करना होता है, पहले तो हमें इसको रीग्रिपिंग क्यों बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो एक ग्रिपिंग लेते हैं मैच के शुरू होने पर, गो होने से पहले, ठीक है? ये जो गो होता है, ठीक है? सो ये तो ये होती है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, अगर सामने वाले बंदे का आर्म लेंथ ज्यादा है ना आपसे, अगर उसकी फिंगर लंबी है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रीग्रिपिंग करना है एज जैसे ही गो हो जाए। सो क्या होता है, मैच शुरू हो तो मेरे को ये वाली जो फिंगर है ना, ये वाली जो फिंगर है, इससे ये वाली फिंगर उसकी इंडेक्स फिंगर पे अटैक करना है। मतलब जैसे ये बहुत ही ज्यादा ना गाइस, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये इसको करने के लिए बहुत ज्यादा टेबल प्रैक्टिस भी चाहिए, मतलब कि आपको बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी तभी आएगी, ये ओवरनाइट नहीं आने वाली। सो हाँ, सो जैसे ही गो हो जाए आपको अपने इंडेक्स फिंगर से उसकी इंडेक्स फिंगर, ये इसकी इंडेक्स फिंगर है, इस पर अटैक करना है, इस पर इंडेक्स फिंगर चढ़ा लेनी है। मतलब ये तो यहाँ पे गेम शुरू हो, यहाँ पे पकड़ लेना है। सो अब जैसे मैच शुरू हो रहा है एंड हमने ग्रिपिंग ले ली है, ठीक है? अब हम रेडी हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा, रेडी गो, मैंने उसकी अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी इंडेक्स फिंगर पे ऐसे चढ़ा लिया एंड मैं क्लाइम तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे को उसकी फिंगर्स नहीं मिल जाती एंड उसकी फिंगर पकड़ के पिन। सो अब आपको भाई करके दिखाएंगे कैसे रीग्रिपिंग करनी होती है। जैसे अब हमने ग्रिपिंग ले ली, अब हम रेडी हैं, सो अब गेम स्टार्ट होगा, रेडी गो। देखो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अब आपको होगा कि इसका फायदा क्या है, मैं फायदा दिखाता हूँ। जैसे क्लाइम करने से ये होता है कि बंदा एडवांटेज में चल जाता है, बंदे के पास काफी ज्यादा हाथ में कंट्रोल आता है, तो कोई मैटर नहीं करता उसकी आर्म लेंथ कम है, अगर उसकी फिंगर कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी फिंगर कितनी भी लंबी हो, अगर उसने मुझे कुछ इस पोजीशन में लॉक कर दिया ना तो उसके जीतने के चांस ज्यादा है। एंड इसमें क्या होता है ना, कभी कभी बंदा स्लिप कराने की कोशिश करेगा जो लंबी हाथ वाला होगा, बट आपको अपनी ग्रिपिंग नहीं छोड़नी, जैसे उसने छोड़ा हुआ और छोड़ नहीं रहा तो ऐसे दबा देना है। ये थोड़ा सा दर्दनाक हुआ सामने वाले बंदे के लिए, बट हाँ आपको सेफली अगर घर पे कर रहे हो तो सेफली करना, किसी का हाथ मोड़ मत देना। हाँ सो बता रहा था। सेकंड पॉइंट है हमारा कपिंग प्लस बैक प्रेशर। अब एज अ टॉपलर आप सोच रहे हो यार आपको कपिंग की जरूरत है, समझाता हूँ, ठीक है? समझाता हूँ। सो मैं किस कपिंग की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पिंकी फिंगर की कपिंग की बात कर रहा हूँ। अब कपिंग से मेरा मतलब है चाहे अगर किसी की आर्म लेंथ ज्यादा है आपको उसको थोड़ी कपिंग देनी चाहिए, कपिंग मैं समझाता हूँ। अगर आप पहले एज अ टॉपलर समझाता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो टॉपलर को क्या जरूरत है कपिंग करने की। देखो अब मैं जैसे मैंने ये चीज लो हैंड में भी समझाई थी, तो क्या होता है अगर अब जैसे मेरा मान लो कि भाई का हाथ ज्यादा है, भाई का हाथ ज्यादा होगा तो मैं उसको पूरा से कवर नहीं कर पाऊंगा, अगर हाथ बड़ा होगा ना भाई का मैं ऐसे कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जिसका आर्म लेंथ बहुत बड़ा होता है, चौड़ा मोड़ा होता है। सो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप टॉप रोल मारते हो ना, पिंकी फिंगर का ध्यान रखो, पिंकी फिंगर को यहाँ पे रखा करो लिगामेंट पे, यहाँ पे ये जो होता है ना इस पे रखा करो पिंकी फिंगर को यहाँ रखो। तो पिंकी फिंगर को यहाँ रख के आपको क्या करनी है, कभी अगर आप टॉप रोलर हो तो मैं एक अच्छी टिप देना चाहूंगा कपिंग प्लस बैक प्रेशर, यहाँ से थोड़ा कप दो, कप देके उससे क्या होगा ना बंदे का जो हाथ होगा वो आपके थोड़ा अंदर आएगा। हल्की सी कपिंग देनी है, हल्की सी कपिंग देके थोड़ा प्रोनेट, कपिंग देके प्रोनेट दोगे ना ज्यादा फायदे में रहोगे, कपिंग देके फिर प्रोनेशन और फिर बैक प्रेशर, ये तीन समझ रहा है, कपिंग प्रोनेशन प्लस बैक प्रेशर अगर आप टॉप रोलर हो। ये एक अच्छी टिप है अगर आपके सामने कोई ज्यादा आर्म लेंथ वाला ज्यादा बड़े साइज वाला प्लेयर है, ठीक है? सो अब भाई आपको दिखाएंगे, पहले मैं भाई की ग्रिपिंग दिखा देता हूँ क्योंकि मेरी आर्म लेंथ ज्यादा है तो आपको ग्रिपिंग में ज्यादा जोर देना है। यहाँ पे ग्रिपिंग कैसे ली हुई है, दो फिंगर्स का आपको बहुत ध्यान देना है, एक तो ये वाली एंड एक नीचे पिंकी फिंगर को इन्होंने देखो लिगामेंट पे कैसे रखा हुआ है, अटैच रखा हुआ है, एंड दूसरी वाली को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? सो अब गेम प्ले दिखाते हैं, सो रेडी, हाँ रेडी गो।
अब इतना आसान तो नहीं होगा राना, बट मैं एक जस्ट एग्जांपल दिखा रहा था कि कैसे होता है, ठीक है। सो एक और वाला दिखाते हैं, हाँ सो एक बार दिखाते हैं, हाँ रेडी गो। सो यहाँ पे भाई ने कपिंग करी एंड देन अब वो प्रोनेशन मारेंगे, प्रोनेशन मार के विद बैक प्रेशर बूम। देखो ये इतना आसान नहीं होने वाला कि यार आप ऐसे करके, अब मेरी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे ज़्यादा थी तो अब, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको अब शायद आप पे ग्रिपिंग भी सूट ना करे। अगर आप किसी और तरीके से ग्रिप कर रहे थे एंड आपको मैं ये ग्रिप करने को बोलूँ तो ये भी थोड़ी आपको टफ लगेगी, ये एक दो दिन तक नहीं होगी। बट जिस तरीके से मैंने आपको पिंकी फिंगर रखने हो का एंड जिस तरीके से मैंने आपको इंडेक्स फिंगर रखने हो का, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके मास्टर करोगे एंड अपने गेम प्ले में ऐड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज आएगी। एंड ये सब चीज़ धीरे धीरे बनती है, एक ओवरनाइट नहीं होगा जैसे मैंने आपको बोला। सो कपिंग प्लस बैक प्रेशर हुकर्स के लिए बताता हूँ, ठीक है। हुकर्स के लिए तो यार, हुकर्स के लिए तो यार सबसे बड़ी एडवांटेज रहती है, हुकर्स को मेरे हिसाब से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले की आर्म लेंथ ज़्यादा है, छोटी है, बड़ी है, जैसे भी है। अगर किसी भी हुकर ने, अगर वो हुक खेलता है, उसने अगर एक बार यूं ले लिया ना, कुछ नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा हाथ है, अगर उसकी फिंगर में दम है, उसकी फिंगर में दम है तो, और उसने कप मार दिया तो बंदा वहीं खत्म, फिंगर प्रेशर का बहुत ज़्यादा गेम रहता है। तो अगर जैसे यहाँ पे भाई, ठीक है, सो अब जैसे मान लो मेरी आर्म लेंथ कम है एंड भाई की ज़्यादा है, तो मैं ऐसे कप करूँगा एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, एंगल आ गया। अब जो गेम रहती है ना, जब एक बार पूरा गेम कप्ड हो जाता है, फिर वो पूरी गेम बाइसेप एंड हमारे फोरआर्म की रह जाती है। सो अब भाई करके दिखाएंगे, जैसे कि मैंने मान के चलो भाई का हाथ पूरा कवर कर लिया क्योंकि मेरी उंगली बड़ी थी एंड सो यहाँ पे अब जैसे भाई की आर्म लेंथ कम थी, सो अब जैसे यहाँ पे रेडी गो। अब जैसे मेरी आर्म लेंथ बड़ी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे साइड प्रेशर का गेम ही तो खेलूंगा। कप होने के बाद ऐसा तो नहीं ना मैं कुछ और करूंगा, मेरी उंगली लंबी है तो मेरे को कुछ एडवांटेज जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो गेम चलेगा वो सीधा सीधा इसका ही चलेगा, साइड प्रेशर का चलेगा। भाई का साइड प्रेशर ज़्यादा होगा वो जीत जाएंगे, मेरा साइड प्रेशर ज़्यादा होगा मैं जीत जाऊँगा। हुकर्स को तो मैं ये बोलूँगा, अगर उनका फिंगर प्रेशर ज़्यादा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी फिंगर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दम होना चाहिए एंड एक बार कप कर लो, गेम आपका है। और अगर आपका साइड प्रेशर ज़्यादा होगा जीत जाओगे, खत्म, और कुछ नहीं। सो थर्ड पॉइंट है स्पीड। स्पीड ऐसी चीज़ है ना, ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अपोनेंट की आर्म लेंथ ज़्यादा है कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने फॉरेन आर्म रेस्ट को देखा होगा, पतले पतले से होते बट इतने बड़े बड़े लोगों को हरा रहे होते जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड। सो स्पीड का क्या रहता है ना गाइज, अगर सामने वाले बंदे की स्पीड ज़्यादा है, चाहे वो टॉप रोल खेले या हुक खेले, अगर उसकी टाइमिंग ज़्यादा है, मतलब जो रेडी को होता ना उस पर अगर उसने बूम से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अपनी यूज़ करी तो काफ़ी तक गेम नहीं जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है और मैंने किसी के साथ करा भी है, बहुत लोगों के साथ करा भी ये चीज़ कि मतलब उनका वेट ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्पीड है ना हरा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि भाई का एग्जांपल यूज़ करता हूँ, पोस्टिंग टॉप रोल खेलते हैं, पोस्टिंग टॉप रोल से बता दूँ बेस्ट रहता है, अगर आपको किसी को स्पीड में मारना है, किसी बड़े प्लेयर को मारना है बेस्ट रहता है। इसका ला रहा हूँ, चिंता मत करो, इसका टोटल ला रहा हूँ। सो क्या रहता है कि अगर रेडी गो हो एंड मैं सोचता रह जाऊंगा अगर भाई ने स्पीड में मुझे ऐसे मार दिया, कोई आर्म लेंथ कुछ काम नहीं आता, तो वर्क ऑन योर स्पीड, वर्क ऑन योर रिस्पॉन्स टाइम, एक्सप्लोसिवनेस जो होती ना जब रेफरी बोलता है, रेफरी रेडी गो बोलता है, उस पर बहुत काम करो, बहुत ज़्यादा एडवांटेज में जाओगे। हुक के लिए मैंने वीडियो बनाई है, जिनको हुक में स्पीड बनानी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। सो एंड टॉप रोल में तो यार हद ईजी होता है, उसके लिए वीडियो लाऊंगा कि टॉप रोल में आपको स्पीड कैसे माननी जल्दी। सो इन तीन पॉइंट्स के साथ कुछ मूव्स भी होते हैं जो मैं चैनल पे लाऊंगा, आपको और हेल्प करने की कोशिश करूंगा और वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा, जनरली कॉम्पिटिशन में क्या होता है ना, वेट कैटेगरीज होती है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि आपके साथ जो ओपोनेंट होते हैं, जो भी आपके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, उनका वेट, उनका साइज, उनकी हाइट करीबन सेम ही होती है, लाइक थोड़ा 19-20 का फर्क होता है बट सेम ही होती है। एंड कॉम्पिटिशन में रेयर ही होता है कि कोई जेनेटिक फ्रीक जिसके आर्म लेंथ इससे ज़्यादा हो, मतलब कि आपकी अगर इतनी होगी ना तो उसकी मोस्ट, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। एंड आप गाइस कभी भी अपोनेंट से घबराया मत करो, अगर आपने अपनी टेक्निक पे काम किया ना, अगर आपने खुद पे काम किया हुआ, आपको अपनी टेक्निक, आपको अपना प्लान पता है, स्ट्रेटेजी पता है, तो कोई आपको मायने नहीं देना चाहिए उसकी आर्म लेंथ बड़ी है, ये आप हरा ही दोगे, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना। सो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना। दिस में तुषार, आता रहूंगा ऐसी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।